Hello children, welcome to DSS online class. I am Sunil, your best teacher. Today we are going to study next question on lesson 6. Question number 7. Kiran bought 1 kg plastic for rupees 10. Kiran 1 kg plastic 10 rupees mein buy karti hai. Yani 1 kg plastic ki कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब होता है खरीदने का मूल्य। किसी सामान को हम जितने में खरीदते हैं उसका कॉस्ट प्राइस होता है। बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर रुपीज 10। लेकिन सोल्ड कितने में करती है? 12 रुपीज में। सेलिंग प्राइस कितनी है? 12 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या होता है? किसी भी सामान को हम जितने में बेचते हैं, जितने में हम सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक? 1 kg प्लास्टिक को सेल करने में उसे कितने पैसे की अर्निंग होगी? 1 kg प्लास्टिक अगर वो सेल करती है तो उसे कितने पैसे की अर्निंग होगी? कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या है? 12 रुपीज। अर्निंग यानी प्रॉफिट, कितने पैसे का उससे प्रॉफिट होगा? इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से कम है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? लॉस होता है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कम है, यहाँ क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा ये कैसे फाइंड करेंगे? 12 रुपीज में से 10 रुपीज को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज इक्वल टू रुपीज 10। 1 kg प्लास्टिक की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक, सेलिंग प्राइस कितनी है? 12 रुपीज। अर्निंग ऑन 1 kg प्लास्टिक, अर्निंग निकालने का क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 12। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है? अर्निंग, जिसे हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। रुपीज 12 रुपीज में से हम 10 रुपीज को माइनस करेंगे, 12 माइनस 10 2 रुपीज। तो 1 kg प्लास्टिक पे कितने की अर्निंग होती है? 2 रुपीज की। तो फर्स्ट आंसर तो मिल गया। सेकेंड, हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg? 1 kg की अर्निंग हमें पता चल गई। 1 kg की अर्निंग क्या है? अभी हमने फाइंड किया है 2 रुपीज। तो 63 kg की अर्निंग क्या होगी? इसमें हम यूनिटरी मेट्रिक चेंज करेंगे। 1 kg की अर्निंग 2 रुपीज है, देन अर्निंग ऑन सेल 63 kg प्लास्टिक। 63 kg प्लास्टिक को सेल करने में उसे कितने का अर्निंग होगा? रुपीज 2 मल्टीप्लाई बाय 63। 63 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 रुपीज, 126। ओके, 63 kg प्लास्टिक को सेल करने में उसे 126 रुपीज की अर्निंग होगी। इसका एक और मेथड भी है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।